सो है गाइज माय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Redmi 8 के बारे में। इसकी फाइनली लॉन्च डेट निकल के आ चुकी है, जो कि 9th अक्टूबर को आपको देखने को ये फोन मिल जाएगा। और साथ में इसकी कंफर्म स्पेक्स भी निकल के आ चुकी है, जो कि आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएंगी। सो वीडियो बिल्कुल एंड तक कम्प्लीट देखते रहिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज जब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन तक पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लें Redmi 8 की डिस्प्ले से, कि डिस्प्ले पर आपको कैसी देखने को मिलने वाली है। जो डिस्प्ले है इस पर आपको देखने को मिल जाएगी, वो 6.2 इंच की एक HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि एक ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ में आने वाली है। ये एक IPS LCD डिस्प्ले होने वाली है। सो डिस्प्ले होने वाली है जो इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छी देखने को मिलने वाली है। बात कर लें इसके बैक डिजाइन की, तो बैक डिजाइन में आपको पॉलीकार्बोनेट की बॉडी के साथ में डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा, और साथ में Redmi का लोगो देखने को मिल जाएगा। जो डिजाइन भी होने वाली है वो इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। जो डिजाइन और डिस्प्ले होने वाली है वो आपको ठीक ठाक देखने को मिलने वाली है इस फोन में। बात कर लें इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर जो इस पर आपको देखने को मिलने वाला है, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 439 वाला चिपसेट देखने को मिलने वाला है। थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए Redmi को, क्योंकि इस फोन पर आपको 660 तो दे ही देते, क्योंकि Redmi का 7 था उस पर आपको 636 देखने को मिलता था, तो इस पर आपको 660 तो दे ही देना चाहिए। तो इतना भी कमजोर नहीं है 439 वाला चिपसेट, इस पर भी आप गेमिंग आराम से कर पाएंगे, और मतलब डेली टू डेली यूज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगा। मतलब मीडिया टेक का हीलियो का P22 के बराबर ये चिपसेट है, मतलब उतना भी कम चिपसेट आपको ये देखने को नहीं मिलता। अब हम बात कर लें इनके कैमराज की, तो कैमरा जो आपको इस पर देखने को मिलता है वो डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है रियल साइड पर, जो कि प्राइमरी कैमरा सेंसर आपको देखने को मिलता है वो 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जो कि सेकेंडरी कैमरा इस पर आपको देखने को मिलता है वो 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। बात कर लें इसके फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा जो इस पर आपको देखने को मिलता है वो आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। जो कैमराज होने वाले हैं इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छे आपको इस पर कैमरा देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात कर लें इसके बैटरी की, तो बैटरी जो इस पर आपको देखने को मिलने वाली है वो 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि इस प्राइस सेगमेंट पर आपको 5000 mAh की बैटरी Redmi प्रोवाइड करेगी आपको। और साथ में इस पर आपको अभी ये कंफर्म नहीं है कि इस पर आपको फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलेगा या फिर आपको नॉर्मल चार्जर ही देखने को मिलेगा। ज्यादातर उम्मीद है कि इस पर भी आपको फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि आपने देखा था Redmi के 8A में फास्ट चार्जर का सपोर्ट तो देखने को मिला था 18 वाट का, आउट ऑफ द बॉक्स आपको 10 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिला था, तो इस पर भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। और टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, ये कंफर्म है। और साथ में आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा, जिस पर आप डबल सिम और एक एसडी कार्ड बड़ी आसानी से लगा पाएंगे। और आपको 9Pi आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, मतलब हर चीज इस फोन में आपको देखने को मिलने वाली है। थोड़ा सा चिपसेट आपको इस फोन पर कमजोर देखने को मिलने वाला है, बट उतना भी कमजोर आपको इस फोन पर चिपसेट देखने को नहीं मिलने वाला, मतलब ठीक ठाक चिपसेट आपको डेली टू डेली यूज में कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। अब हम बात कर लें इसके प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग जो इसकी बताई जा रही है कि हो सकती है 7 से 7.5 हज़ार के बीच में इसकी प्राइसिंग हो सकती है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्लियर प्राइसिंग है। और इस प्राइसिंग में आ जाता है तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी स्पेक्सन आपको प्रोवाइड करा रहा है। और ये 9 अक्टूबर को आपको देखने को मिल जाएगा फाइनली इंडिया में, जो कि कंफर्म हो चुकी है आज लॉन्च डेट। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करना था। सो जितनी भी स्पेक्सन कंफर्म आई थी तो मैंने आपको बता दिए इस वीडियो में। सो वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।